नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंस ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को सबसे शुभ व्रतों में से एक माना जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार प्रदोष व्रत चंद्र मास के 13वें दिन यानी त्रयोदशी पर रखा जाता है। प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं तथा उसे सम्मान और यश में बढ़ोतरी होती है और उससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है जो इस प्रकार है। चंद्र को 6 रोग था जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन जीवन दान प्रदान किया था, इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं जो हर महीने में अलग अलग वारों पर पड़ते हैं। दोस्तों अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के अलग अलग लाभ भी प्राप्त होते हैं, तो आइए जानते हैं अलग अलग वारों पर पड़ने वाले प्रदोष व्रत के क्या लाभ हैं। दोस्तों रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो, उस दिन के प्रदोष व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन यह व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से इंसान को संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस प्रकार अलग अलग वारों के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अलग अलग फल प्राप्त होता है। आइए अब हम जानते हैं यह व्रत कैसे रहा जाता है, इसकी विधि और नियम क्या है और इस व्रत में कौन कौन सी चीजें खा सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं खा सकते। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करिए। अब घर के ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करिए और इस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग या फिर उनकी फ़ोटो स्थापित करिए और हाथ में जल लेकर 11 या 26 त्रयोदशी या फिर जब तक भी आप व्रत रहना चाहते हैं उतने व्रत का संकल्प करें और भगवान की पूजा करना शुरू करिए। दोस्तों पूजा के बारे में बता दूं, प्रदोष व्रत में पूजा 2 बार की जाती है, सुबह और शाम को। शाम की पूजा को ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि यह प्रदोष काल है जब दिन और रात का मेल होता है, लेकिन आपको दोनों टाइम पूजा करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पूजा की विधि। भगवान का शिवलिंग या मूर्ति स्थापित करने के उपरांत शिव जी को जल चढ़ाएं और अपने ऊपर भी आचमनी से जल छिड़कें। दोस्तों प्रदोष व्रत करने के लिए हमें कुश के आसन पर बैठकर पूजा करना चाहिए। आचमनी से जल छिड़कने के बाद प्रभु को दूध और दही से अभिषेक करें, फिर उसके बाद गंगा जल से प्रभु का अभिषेक करें, तत्पश्चात रक्षा चढ़ाएं। इसके बाद प्रभु का हल्दी कुमकुम और चंदन से अभिषेक करें, फिर चावल छिड़कें। इसके बाद प्रभु को फूल धतूरा और भांग चढ़ाएं। दोस्तों भगवान को भांग धतूरा बहुत पसंद होता है, अगर आपको धतूरे का फल मिलता है तो उसे अवश्य चढ़ाएं। तत्पश्चात बेल की पत्तियां और शमी के वृक्ष की पत्तियां भी चढ़ाएं। फिर भगवान का घी के दीपक से आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। इसके पश्चात आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से अपनी मनोकामना कहें और प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान से क्षमा याचना जरूर करें कि हे भगवान, अगर पूजा या व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। तत्पश्चात आचमनी में जल लेकर जिस आसन पर आप बैठे थे उस पर चढ़ाकर नमन करें और माथा टेक कर आरती लें और अपने घर वालों को प्रसाद का वितरण करें। दोस्तों प्रदोष व्रत में आहार नहीं लिया जाता। शाम की पूजा के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, परंतु फलाहार में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही इस व्रत में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे इस व्रत में किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस व्रत में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये व्रत बीच में नहीं रोकना चाहिए। अगर आप किसी वजह से पूजा नहीं कर सकते
तो घर के दूसरे किसी सदस्य से पूजा करवा दें, परंतु व्रत ना तोड़ें। ये व्रत भी गिना जाता है। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की पूजा विधि, लाभ और नियम। अगर आप सच्चे मन से भगवान का व्रत करते हैं तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।